भारत के इलेक्शन कमिश्नर ने विधानसभा में 2 सीटें कश्मीरी विस्थापितों के लिए नामांकन की जा सके और 1 सीट अनधिकृत ऑक्यूपेशन जो हमारे कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान कर बैठा है वहां से विस्थापित लोगों में से 1 व्यक्ति को नॉमिनेट करना पड़े, ये इसका हाल। अब इसमें क्या है, पहले भी मिलता था ना, पहले नहीं मिलता था, पहले सिर्फ जरूरत लगे तो प्रतिनिधित्व न हो तो महिलाओं को 2 सीट दी जाती थी। हमने 3 सीटें और अपॉइंट करने की डिलिमिटेशन कमीशन की जो सिफारिश है उसको बिल में परिवर्तन कर कानूनी जामा पहनाकर आज मैं इस महान सदन के सामने उपस्थित हुआ हूं। माननीय, इसमें से 2 सीटें कश्मीरी विस्थापितों के लिए होगी जो घाटी से विस्थापित हुए हैं और 1 सीट पाक ऑक्यूपाई जम्मू कश्मीर के विस्थापित व्यक्तियों के लिए नामित की जाएगी, इसमें से 1 महिला होना जरूरी है। इस प्रकार का एक कानूनी सुधार लेकर आज मैं यहां पर हुआ। डिलिमिटेशन कमीशन के इतिहास में पहली बार 9 सीटें शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित की गई है और एसटी के लिए 9 सीटें और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 20 सीटों का आरक्षण की व्यवस्था करें। नई जो स्कीम बनी है उसमें जम्मू में पहले 37 सीटें थी, 37 सीटें थी, ये भी न्याय का सवाल है। जम्मू में पहले 37 सीटें थी, अब 43 हुई है, 43 हुई है। कश्मीर में पहले 46 थी, अब 47 हुई है और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटें, क्योंकि वो हमारा है, हमने रिजर्व रखी है। माननीय, 24 सीटों को इस तरह से पहले 107 सीटें जम्मू कश्मीर विधानसभा में थी, अब 114 सीटें हुई है। पहले 2 नॉमिनेटेड मेंबर हुआ करते थे, अब 5 नॉमिनेटेड मेंबर माननीय इसमें होंगे। जम्मू कश्मीर के कानून के हिसाब से 2 महिलाओं को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है और धारा 15 के अनुसार किया जाता है और अब इसमें कश्मीरी प्रवासियों में से 2 जिसमें से 1 महिला और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर से 1 नामांकन किया जाएगा। मान्यवर, ये इसलिए संभव हुआ है कि 5 और 6 अगस्त को ऐतिहासिक बिल नरेंद्र भाई ने कैबिनेट में पारित किया और इस सदन ने इसको परमिशन दी, इसको मान्यता दी और धारा 370 चली गई। इसी का हिस्सा था ये डिलिमिटेशन कमीशन।